नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। नई गल्ला मंडी में चोरों ने लगाई सेंध, मंडी में सुरक्षा के इंतजामों की उड़ी धज्जियां। सूचना के लगभग ढाई घंटे बाद पहुंची देहात थाना पुलिस। पुरानी कृषि उपज मंडी से नई कृषि उपज मंडी पहुंचे व्यापारियों को जब चोरों का डर सताने लगा, क्योंकि कई बार मंडी प्रांगण से चोरी की घटना हो चुकी है। वहीं रात को नई मंडी स्थित देवश्री एवं प्रियांशु ट्रेडिंग कंपनी की फार्म में एक चोर ने छत पर से लोहे की मजबूत दरवाजे को रॉड से तोड़कर लगभग 10,000 रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें कि चोरी की घटना की सूचना मिलते ही फार्म पर मंडी व्यापारियों का हुजूम लग गया। मंडी के सेक्रेटरी भी चोरी की जायजा लेने पहुंच गए, लेकिन चोरी की घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी, लेकिन लगभग ढाई घंटे के बाद पुलिस पहुंची। सभी व्यापारियों ने मंडी सचिव को ज्ञापन देकर चोरी की घटना से अवगत कराया एवं दुकानों व मंडी प्रांगण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग की। बता दें कि मंडी की सुरक्षा के लिए लगभग 35 गार्ड काम कर रहे हैं, लेकिन नवीन मंडी प्रांगण में व्यापारियों के यहां चोरी होना सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुलती दिखाई दे रही है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। एक घंटे पूर्व व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय का हमारे पास फोन आया था कि देवश्री ट्रेडर्स और प्रियांशु वाले का कोई चोरी हो गई रात में, तो उसके लिए हम पूरा स्टाफ लोग यहाँ दुकान पे आए हैं। अभी जहाँ से उनकी चोरी हुई वो उसका अवलोकन हम लोगों ने किया है और ने आवेदन भी दिया हमारी राइटिंग में। इसके लिए हमने देहात थाने के लिए इसका पत्र भेज रहे हैं और माननीय SDM महोदय को अवगत करा दिया गया है और TI साहब से भी चर्चा हो गई है। TI साहब द्वारा बोला गया है कि इनके लिए राइटिंग में यहाँ भेज दें तो आगे कार्रवाई की जाएगी। मंडी व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर चोरियाँ होती हैं, तो क्या मंडी प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कुछ क्या? नहीं, मंडी प्रशासन द्वारा तो पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। हमारे 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा प्रांगण है और चोरी की घटना हो जाती है उसकी तो पुलिस ही थोड़ा सा जवाबदारी तय हो पाएगी। तो उससे कितनी सुरक्षा गार्ड लगी हैं आपके मंडी में? हमारे पूरे मंडी प्रांगण में 35 सुरक्षा गार्ड हैं जो दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। उप मंडी में रहते हैं कितने? रात में रहते हैं दिन में गेट पर 4 इस गेट पर रहते हैं और 2 सुरक्षा गार्ड इस गेट पर रहते हैं, सुबह 8 से 4 में और शाम को 4 से 12 में 3-3 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी मंडी में क्या आपको कम नहीं लगती है 35 सुरक्षा गार्ड? नहीं, उनसे और भी काम लिया जाता है, कुछ उप मंडी में भी लगाए गए हैं और जितनी हमें परमिशन मिलती है ऊपर शासन से उससे ज्यादा हम नहीं रह सकते सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड के होने के बावजूद भी निरंतर मंडी में चोरी घटनाएं हो रही है, इस ओर आपने कुछ पुख्ता और कठोर कदम उठाने की कोशिश की है? नहीं, जब जब भी चोरी होती है तो हम बाकायदे व्यापारियों के साथ मिलकर पुलिस के प्रशासन के लिए आवेदन देते हैं, जाके व्यक्तिगत रिपोर्ट भी कराई गई है। और क्या एक्शन लिया है आपने? यही एक्शन दिया जा सकता है जो जो शासन के निर्देश में होंगे। बस प्रियांशु ट्रेडिंग कंपनी गया बीती रात में, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इसके CCTV कैमरे भी फर्म के लगे हुए हैं, उसमें भी चोरी की घटना पूरी रिकॉर्डेड है। चोर की उसमें चोरी करते हुए फोटो भी आ रही है, मतलब फोटो भी उसमें आ रही है। और कभी करीबन 2 महीने से नई मंडी में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं पूरी तरह से शासन की मनसानुसार, लेकिन चोरी की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, उस पर भी कोई अभी तक पकड़ाई नहीं हुई। चोरी कभी अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। माननीय SP साहब वगैरह भी आए तो उनसे बोला था कि भैया पुलिस चौकी की व्यवस्था करी जाए नई मंडी में, जिससे सुरक्षा हो सके व्यापारियों की, माल की और पैसे की और खुद की जान माल की भी सुरक्षा हो सके, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई प्रशासन शासन द्वारा नहीं की गई है। ऐसी घटना और बढ़ेंगी तो हम लोग ऐसे मंडी में काम करने में आगे असमर्थ रहेंगे। इस प्रकार घटना कहाँ तक हम सहन करेंगे? पहले भी 2-3 शिकायत होगी, मोटर चोरी चलेगी, दड़ियाम दिन में चोरी चलेगी, शिकायत करी, कोई इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। लगभग ऐसा कोई आईडिया है कितनी राशि की चोरी हुई है? लगभग 10,000 के अंदर फर्म द्वारा पता नहीं पड़ा है, उन्होंने भी पूरा हिसाब नहीं बनाया है, लेकिन 10,000 के अंदर 5 से 10,000 के बीच की चोरी होना चाहिए सर, उन्होंने अनुमान बताया है। घटना के उपरांत आपने किसी घटना के उपरांत हमने मंडी सेक्रेटरी साहब को बोला है, माननीय SDM साहब को भी हमने बोला है, तत्काल पुलिस बुलाई जाए और जांच की जाए, मगर हमको जो कहा गया है पुलिस बोल रही है पहले हमको आवेदन दीजिए इसके बाद हम आएंगे।
अभी तक कोई पुलिस के अभी तक कोई दो घंटे मेरे घर 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई। अभी तक आया तो मैंने खोल के देखी तो उसकी दराज खुली थी, तो मैंने देखा कि फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर से उन्होंने टूटा पाया गया वो, तो नीचे 4,000 रुपये के लगभग जो छोड़ जाते हैं हम वो है, और ऊपर की एक पेटी में 2,000 रुपये पूजा की एक गड्डी रखी रहती है हमेशा, वो भी नहीं है, और दोनों के ताले टूटे हैं और ऊपर से भी पूरा गेट टूटा पड़ा है, जबकि इतना मजबूत गेट था कि वो बिना सब्बल और उसके टूट ही नहीं सकता। कितने बजे आए आप दुकान? कितने बजे? अभी 1 बजे के लगभग। चोरी की जो सूचना है वो पुलिस को कब थी और अभी तक पुलिस थाने से कोई आया कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया, सूचना मैंने अपने अनाज तेलन संघ को भी दी और मंडी को भी दी, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो लेटर जाएगा तब आएंगे।